करते दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल जॉब्स जीके गुरी पे। एक बार फिर मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि इंडियन आर्मी में भर्ती है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई भी फीस नहीं है। ये बिग अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के लिए जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन पूरी डिटेल में वीडियो बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही घंटी वाले बटन को दबा के इस चैनल के नोटिफिकेशन फ्री में पाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बता दिया है कि इंडियन आर्मी में ये भर्ती है। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं वो 23/1/2019 से स्टार्ट हुए हैं और जो लास्ट डेट होने वाली है वो इसकी 21/2/2019 होने वाली है। लास्ट डेट जो कंप्लीट फॉर्म की है वो 21/2/2019 होने वाली है। कोर्स स्टार्ट 2 अक्टूबर 2019 से। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी के नहीं है, जनरल के लिए भी नहीं है, एससी के लिए और किसी के भी लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो कि टोटल जो पोस्ट हैं वो 199 पोस्ट हैं, मीन्स की 189 पोस्टें हैं। पोस्ट नेम है शॉर्ट सर्विस कमीशन 53 मैन वेरियस पोस्टेस। टोटल पोस्टें 175 पोस्ट है इसमें। शॉर्ट सर्विस कमिश्नर 24 वूमेन वेरियस पोस्ट, इसमें 14 पोस्टें हैं। बैचलर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इंजीनियरिंग इन रिलेटेड ट्रेड पोस्टेस, मीन की आपकी इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। जो पोस्ट मैं आपको नीचे कौन कौन सी है ट्रेड वाइज पोस्टें बता देना चाहता हूँ। जो आपकी एज लिमिट होने वाली है वो 20 साल से लेकर 27 साल तक होने वाली है और जो ये एज काउंट की जाएगी वो 1/10/2019 के अकॉर्डिंग आपकी 27 साल तक होनी चाहिए। ट्रेड वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पोस्ट है सिविल की, इसमें 46 पोस्टें हैं और वुमेन के लिए 4 पोस्टें हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपकी की होनी चाहिए। इसके बाद मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, इसमें 14 पोस्टें हैं और वुमेन के लिए 3 पोस्टें हैं। इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपकी की होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22 पोस्टें हैं और इसमें वुमेन के लिए 2 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर सिस्टम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद एविएशन बलास्टिकल एवियोनिक की पोस्टें हैं जिसमें 12 पोस्टें हैं और फीमेल के लिए कोई भी पोस्ट इसमें नहीं है। इंजीनियरिंग डिग्री इन एरोनॉटिकल की होनी चाहिए आपके। इसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आईटी, इसमें 44 पोस्टें हैं जो मेल के लिए और गर्ल्स फीमेल के लिए 3 पोस्टें हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद साइंस आईटी एमएससी इन कंप्यूटर आपकी की होनी चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन में 23 पोस्टें हैं और फीमेल के लिए 2 पोस्ट हैं। इसमें आपकी इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन और एवेल्युएटिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रोवेव फाइबर ऑप्टिकल, इसमें मेल के लिए 8 पोस्टें हैं और जी फीमेल के लिए कोई भी पोस्ट इसमें नहीं है। पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव्स आपका इसमें कोर्स किया होना चाहिए। प्रोडक्टिंग इंजीनियरिंग 3 पोस्टें हैं इसमें और फीमेल के लिए कोई भी पोस्ट इसमें नहीं है। इंजीनियरिंग डिग्री इन प्रोडक्शन में आपकी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शनर टेक्नोलॉजी, इसमें 3 पोस्ट है मेल के लिए और फीमेल के लिए भी इसमें कोई पोस्ट नहीं है। इंजीनियरिंग डिग्री इन एग्रीकल्चर एग्री टेक्चर एग्री आर्किटेक्चर में आपकी की होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, मिस हो गया थोड़ा सा बोलने। अगर आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ। और जो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो इसके बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।